आसान और मुश्किल, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने राह हमारी आसान बना दी शूट करके, और मुश्किल इसलिए क्योंकि कई बार हम लोग किसी चीज़ के साथ अगर मैच नहीं हो पाते थे तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बस उतना ही था, बाकी सब तो इट्स ईजी. सो ही शी डजंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ ब्रीफ स्पेसिफिकली नहीं था, बट शी जस्ट वॉन्ट कि जितना रॉ या जितना रॉ इन्होंने जब राइटिंग करते हुए उसमें लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में या फिर यू कैन फील इट, दैट शुड बी देयर. दैट वॉज अ ओनली ब्रीफ आई गेट फ्रॉम हर. हाँ हाँ, हमने उसमें से बहुत सारे तकिए हटाए हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा लगाए. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वी डू दिस वे, बट या इट्स डन. तकिए बहुत इसमें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तकिए कलाम भी बहुत मिलेंगे शायद से, बट दैट्स गोना बी बोथ. थैंक यू. एंड इट्स शूट इन लंदन. It's based on an LGBTQ subject, the subject that's not been spoken before. And that's what I'm trying to portray here, a vulnerability that an LGBTQ community members, our friends and family can also go through, and it exists in every gender identity. So what I'm trying to tell via this film is that everybody is equal in any form, and come and support the film and recognize the message that I am trying to tell via the film. प्लीज़ आइए, फिल्म को सपोर्ट कीजिए, देखिए फिल्म में हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक थॉट के साथ निकलेंगे, आप सबको एक नज़र से शायद देख पाएंगे, यही कोशिश इस फिल्म में की जा रही है. हाँ जी, मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है. इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं इस फिल्म के बारे में. और जब मुझे बुलाया गया था, मैंने सिद्धार्थ जो मेरे हैं पीआर, उनको भी बताया था कि मैंने इस फिल्म के बारे में सुना हुआ है. एंड ये जो डायरेक्टर हैं, शी इज़ फ्रॉम लंदन, एंड मेरा एक बहुत पुराना कनेक्शन है लंदन से. इनफैक्ट मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत भी लंदन से ही की थी. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. आई वांट टू सपोर्ट ऑल एज मेनी पीपल फ्रॉम यूके एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. इट्स अ रियली गुड थिंग. जब ऐसी फिल्में सोसाइटी में आती हैं तो इनका रिएक्शन बहुत अलग होता है. सो आपका क्या टेक है इस पे, जो कि लोगों के अंदर एक ही भाषा है दुनिया में, और वो भाषा है प्यार की. प्यार किसी भी रंग रूप में हो सकता है. कोई ऐसा कोई भी नियम, जो भी नियम बनाए गए हैं, वो सब हम लोगों ने ही बनाए और हम लोग ही उनको तोड़ेंगे. तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ गलत नज़रिए से देखी जानी चाहिए. प्यार प्यार ही होता है, चाहे वो कैसा भी. ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट म्यूजिकली. It's so much difference are there between like a normal couple and when it comes to LGBTQ. But I guess we have given our best as they. You sang the song. No. Music. Yeah. So what was the brief from Sonia ma'am for the film first? What was your first conversation with her for the film? So she said about what the concept is about. Yeah. She said about what the concept is about and how what it deals with, and she also told about the what are the songs are there, and it's almost maximum effort is given by Sonia. Actually, she has given her effort to make this to bring out this song, and remaining part the he have done a very good job in singing. Of course, yeah, that's all. आप बताना चाहेंगे गानों के बारे में, किस तरह के गाने रहे हैं, क्या भावनाएं रही कहीं ना कहीं फिल्म के साथ भी, एज अ सिंगर आप. गाने बहुत अच्छे हैं, सूफी टच है, और फिल्म जैसे कि हिंदी है और उसमें गाने सारे पंजाबी हैं. और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जब सोनिया जी ने मुझे भेजा और उन्होंने बोला कि आपको गाने हैं सब. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे लिखे गाने. Does that any challenge for you, she being in UK, she's briefing you a lot, and so was that more challenging, ki most of the time the director connects with the music basically. Actually, personally level. So at this point of time technology plays a vital role. Yes, she's from a different she's in a different country and we are from here, and time problem was there when we are sleeping, she was awake, like that kind of timely issues was there, but it's a big applause to her. Actually,
she maintained well, and that's how it's happened. Yeah, technology plays a vital role in this. Did you guys ever thought that film will go in such festivals and get recognized, and then finally will be releasing on in India? So, yeah. Did you guys ever thought of it? Of course, the concept is very bold, and as far as I know, nobody have touched this strongly in this space. So, winning an award is not a big thing, I guess. The concept plays. हाँ तो फिल्म जैसे मैंने बोला ये बोल्ड सब्जेक्ट है और इसीलिए बोल्ड है क्योंकि जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कुछ लोग वो खुद भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं. दूसरी बात ये है जो एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी फैमिलीज या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है. पर फिल्म ये है एक वल्नरेबिलिटी एक इशू जो कि एक्सेप्टेड नहीं है जो कि ओवरलुक कर दिया जाता है. तो उस पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप फिल्म देखेंगे तो शायद उस वल्नरेबिलिटी को आप रिकग्नाइज करेंगे और शायद एक्सेप्ट भी करेंगे. सर आपसे जानना चाहेंगे आप इस फिल्म को जो सपोर्ट कर रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर इन एडवांस कि सच अ ग्रेट इनिशिएटिव यू हैव टेकन एंड आई होप यू ऑल द सक्सेस. एंड डेफिनेटली जो इनका मोटिव है कि मैक्सिमम रीच आउट होनी चाहिए फिल्म, लोगों को एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. बातें सब लोग करते हैं बहुत करते हैं लेकिन जब एक्सेप्टेंस की बारी आती है तो सब फिर सबके परहेज शुरू हो जाते हैं कि नहीं मेरा नहीं वैसा नहीं. So this is a good initiative, great initiative by her, and as she mentioned, I was just talking to her and she mentioned that you managed to shoot this film in how many days? 22 days. 22 days mein film complete kiya. Khali shooting part, baki post production aur ye sab puri film you have done it in UK, right? Puri film UK mein ki gayi hai. I mean the whole process has been like 3 years from writing till its completion. It's been 3 years, but finally I really hope people can see that it's worth it. So yeah, thank you. 22 days, how long it took us to shoot the film actually. It's been shot in UK, so production value will be amazing, I guess. I'm hoping for that you recognize it. yeah. So I would like to ask everyone to, you know, come watch this film, support this kind of subject, you know, this is a bold subject. This subject, abhi to law bhi kafi pass ho gaye hain LGBTQ ko leke. So practically acceptance, ऐसे फिल्म जब प्रमोट होंगी देखेंगे बिकॉज बहुत लोग हैं, बहुत लोग इस बात को कह नहीं पाते हैं कि सोसाइटी का रिएक्शन कैसा होगा. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. थैंक यू. टाइटल कैद, क्या बात टाइटल कैद? एक तो जैसे कि सिनॉप्सिस हम लोगों ने निकाली है, आपने अगर देखी है तो लॉग लाइन ये है कि इसमें जो कैरेक्टर जिगर है वो एक कैद से निकल के दूसरे से निकल के वो एक दूसरी कंट्री में जाते हैं अपनी फ्रीडम ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो फिर से ट्रैप हो जाते हैं. द सर्कमस्टांसिस बिकम्स लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई द टाइटल इज कॉल्ड कैद. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे इस कैद टाइटल को आप बहुत चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे. तो सिर्फ एक जिगर ही नहीं है जो कैद में है या कोई और कैरेक्टर जो है वो ही नहीं है कैद में है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और आप देखेंगे और एक्चुअली मैं आपको बोलूँगी आप आए और देखें कौन किसके कैद में है. ये कि ये परंपरा जो ये जो आ रही है एलजीबीटी इससे निकलने के लिए वो करने के कैद रखा है अपने नहीं ऐसा है नहीं. द स्टोरी की जो थीम है वो एक्चुअली कैद है, परंपरा कोई नहीं है. पर जो वल्नरेबिलिटी आप देखेंगे जब आप फिल्म देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कैद में कोई भी हो सकता है. तो उसको नज़र में रख के इसका टाइटल कैद रखा गया है. आर्टिस्ट की बात करें तो बताइए आर्टिस्ट के बारे में बात करें. तो आर्टिस्ट इसमें मेरे दो लीड हैं, एक का नाम है मोहिंदर जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है और एक है मिहिर, सॉरी मिहिर मैंने कैरेक्टर का नाम ले दिया, उनको इनको निभाया है टाई खान ने. टाई खान भी ब्रिटिश एक्टर्स हैं और उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है, काफ़ी कमर्शियल्स में काम किया है. पर ये नॉन चेहरे आप इनको बोल भी सकते हैं अगर आपने इनका काम देखा है, लेकिन ये जस्टिफाई करेंगे रोल को जब आप देखेंगे फिल्म तो. और इनके अलावा फिल्म को सपोर्ट किया है और एक्ट किया है इसमें आशीष दत्ता ने, सोनिया गोस्वामी ने, खालिद महमूद ने. यस आप इनको देखेंगे तो आप इनको पहचान पाएंगे, उन्होंने काफ़ी काम किया है. इस तरह की फिल्म फेस्टिवल सराई जाती है, फेस्टिवल बाकी ऑडियंस आने पर कतराती है या सोचती है क्या? तभी तो ये यूनिक इनिशिएटिव है क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ फेस्टिवल में जाके वहीं रह जाती हैं. तो ये शायद पहले इस फिल्म में काफ़ी पहली बार चीज़ें बहुत होंगी. तो पहली बार तो ये कि इसको थिएटर में लाया गया है,
ये पहली बात है. तो बाकी और भी इसमें जो पहली चीज़ आप देखेंगे कि सॉन्ग्स जो हैं वो काफ़ी यूनिक वे में फिल्माए गए हैं. पहली बार स्क्रीन पे आप यू नो दो सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स को देखेंगे सॉन्ग्स में, तो वो भी पहली बार है. ऑफ कोर्स तो पूरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पहली बार ही ऐसा किया गया है. तो हाँ, ऐसी फिल्में नॉर्मली फेस्टिवल्स में रह के वहीं रह जाती हैं, लेकिन मेरा इनिशिएटिव है कि मैं इसको सिनेमास में लेके आऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके. दिलीप, आप क्या कहना चाहेंगे नए डायरेक्टर और इस तरीके का सब्जेक्ट चूज करना नए डायरेक्टर के लिए कितना चैलेंजिंग होता? पहली बात तो जो है सब्जेक्ट इन्होंने चूज़ किया है बाय इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग है, बोल्ड है. सो इससे आदमी का एज अ डायरेक्टर आपका विजन क्लियर हो जाता है कि आप यू आर रेडी फॉर दिस बोल्ड एंड यू नो चैलेंजिंग सब्जेक्ट. सो आई थिंक इट्स अ ब्रेव मूव एंड यू लाइक आई ऑल द वे शूटिंग द एंटायर फिल्म इन यूके एंड you know bringing it over here. I think it's a great initiative. So I wish you all the best and keep it up. Lastly, jana chahiye 23rd February ko ye release ho rahi hai, to kya kuch hai aur mixed feelings hain. Of course jaise pehli baar bahut kuch ho raha hai, pehli baar bahut kuch experience kar rahe hain, to mixed feelings hain. Excitement bhi hai ki ye cinemas mein ja rahi hai, you know meri story ko recognize रिकग्निशन मिलेगी, मेरे एक्टर्स को रिकग्निशन मिलेगी, यू नो जिस पूरी टीम ने जिस पे से काम किया है, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, यू नो पोस्ट प्रोडक्शन टीम भी है, सिंगिंग टीम भी है, साउंड भी है, सबको रिकग्निशन मिलेगी इससे. तो वो एक्साइटमेंट है, गूज़बम्प्स है ऑफ कोर्स, पर कहीं ना कहीं वो जो एक फेयर रहता है जो कि नेचुरल है वो भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब्जेक्ट जो बोल्ड है. तो हाँ, मिक्स फीलिंग्स है. मतलब बताना चाहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत कम फिल्में बनती हैं, या ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्में बनाने की हिम्मत भी बहुत कम लोग करते हैं. तो डायरेक्टर जी ने जो इसकी हिम्मत की है, महिला है जी, हाँ ज़रूरी है. तो आज के ज़माने में, आज के समय में, अपने समाज में ऐसी चीज़ों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता जाता. तो ऐसी फिल्मों से शायद लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो शायद चेंज हो जाए. और मैं तो खुद ऐसी जगह से हूँ कि वहाँ पर के प्रिंस हैं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था. तो उसके बाद क्या उनके साथ हुआ था वो काफ़ी मैंने सुना है और अनुभव किया है. हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा मैं पूरी टीम को, और ये फिल्म सब लोग देखने जाएं. समाज में जो भी चीज़ें छुपी हुई है वो लोगों को पता चले और इसको एक्सेप्ट करें. थैंक यू सो मच. वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. एंड ऐसे सब्जेक्ट्स पे आमतौर पर फिल्में बहुत कम बनती हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म. सो लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑल द बेस्ट टू सोनिया जी एंड द एंटायर टीम. और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र है प्रियांक जी, उन्होंने ये फिल्म एडिट की है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द वर्क. और ऑल द बेस्ट. थैंक यू.